वैक्सीन, इस वर्ड से तो आप सब वाकिफ होंगे ही, और आप में से कई लोगों ने वैक्सीन ली भी होगी। पोलियो की दो बूंद और कुछ नहीं बल्कि वैक्सीन ही है, जो कि ड्रॉप्स की तरह ओरली दी जाती है। अब कई लोगों को तो ये लग रहा होगा कि वैक्सीन तो इंजेक्शन से दी जाती है, और वो भी बाएं हाथ में। आप सब सही सोच रहे हो, पर वैक्सीन कई तरीके की होती है और कई तरीके को सी दी जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट ऑन पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उस लाल बटन को दबा लीजिए और घंटा भी दबा लीजिए। और अगर आपने हमारी अभी तक इससे पहली वाली वीडियो हाउ कोविड इन्फेक्ट्स पीपल को नहीं देखा है तो जाओ जाकर उसको पहले देखो, वरना ये वीडियो समझ नहीं आएगी और बोलोगे कि हाँ हाँ भैया समझ आ गया, स्कूल की तरह निकल लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वैक्सीन क्या होती है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिससे हमारी बॉडी किसी भी बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेती है, जिससे हम उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ पाते हैं। और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी यानी स्ट्रांग हुई तो हम ये मैच जीत भी सकते हैं, वरना भाई बंदे का टिकट ऊपर के लिए कट लेगा। हर एक इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग तो होती नहीं है, किसी की स्ट्रांग होती है तो किसी की वीक भी होती है। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला कि हम कम इम्यूनिटी वाले लोगों को भी स्ट्रांग डिजीज़ के अगेंस्ट कैसे जीतवा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम ओपोनेंट को ही वीक कर दें और एक बार एक्चुअल इन्फेक्शन से पहले ही इस वीक वाले ओपोनेंट की मैच हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम एक बार स्ट्रेटेजी बना लेगा कि इससे कैसे जीतना है, और फ्यूचर इन्फेक्शन होगा तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास स्ट्रेटेजी होगी कि इससे ऐसे जीत सकते हैं और इसे जीत भी जाएंगे। अब ये आइडिया सबसे पहले सर एडवर्ड जेनर ने ही यूज़ किया था। उन्होंने 1796 में ही एक 13 साल के बच्चे को वैक्सीनिया वायरस यानी कि काउपॉक्स की इन्फेक्शन दे दिया था, और कुछ समय बाद उसको स्मॉल पॉक्स के वायरस से इन्फेक्ट भी किया। तो ये देखकर सबको हैरानी हुई कि इस बच्चे को तो स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यूनिटी पहले से बन चुकी थी। तब रिसर्च से पता चला कि इस वायरस से एडवर्ड जेनर ने इस बच्चे को इन्फेक्ट किया और कुछ नहीं बल्कि स्मॉल पॉक्स का ही वायरस के कमज़ोर वर्जन था। तो दोस्तों, ऐसे दुनिया की पहली वैक्सीन बनी थी, और सर जेनर ने वेका, जिसका मतलब लैटिन में काव होता है, इस शब्द से टर्म वैक्सीन निकाली। और आज भी साइंटिस्ट इसी बेसिक प्रिंसिपल से ही यूज़ करते हैं और अलग अलग बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीन निकालते हैं। तो दोस्तों, पोलियो की दो बूंदें हो या फिर कोविशील्ड का इंजेक्शन, ये दोनों और कुछ नहीं बल्कि इन्हीं बीमारियों के सबसे कमज़ोर रूप होते हैं जिनके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी चाहिए होती है। वैक्सीन देकर के हमारी बॉडी में कोरोना वायरस दिया जाता है, और अगर फ्यूचर में हमारी बॉडी के अंदर कोरोना आए तो हमारी बॉडी के पास इसी वजह से स्ट्रेटेजी तैयार हो जाती है कि हम उस कोरोना को देखकर कैसे मार गिराएं। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि डायबिटिक पेशेंट और बुज़ुर्ग लोगों को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी हम सबसे ज़्यादा वीक होती है। और अगर देखा जाए तो युवाओं की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है इन लोगों से, इसीलिए युवाओं को बाद में वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम सब ये जानते ही हैं कि ये कोरोना वायरस बहुरूपिया होता है, यानी कि ये अपना रूप बदलता रहता है, तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो अब उतनी काम नहीं आ रही। तो इसके लिए जैसे जैसे नए वेरिएंट्स आते हैं उनके लिए हमें अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए वैक्सीन की डोजेस अलग अलग दी जाती है। पहली डोज हमको 60 से 70% तक तैयार रखती है, दूसरी डोज 80 से 85% तक कर देती है तैयार, और थर्ड डोज जिसको हम आजकल बूस्टर डोज के नाम से भी जानते हैं वो लेने के बाद हमारी बॉडी 90 से 95% तक तैयार हो जाती है, और इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी बहुत ज़्यादा असरदार माना गया है। और यही स्ट्रेटजी जो हमारी बॉडी बनाती है इनको मेडिकल टर्म में एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, और यही एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि असलियत में वायरस से लड़ती है। होप करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आप अब वैक्सीनेशन लेना ज़रूर चाहेंगे। धन्यवाद।